Good morning, students. Welcome to social science class. Today we will study first chapter of geography, class 9th, India size and location. Main topics in this chapter are India's location, India's size, India and the world, its neighbors. Introduction. India is one of the oldest civilizations and have a remarkable history. After independence from British rule, it achieved multifaceted socio-economic progress, also made a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. भारत संसार की अत्यंत प्राचीन संस्कृतियों में से एक है. पिछले 50 वर्षों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से चहुमुखी प्रगति की है. तकनीकी, कृषि, उद्योग और सर्वांगीण आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत ने अद्भुत प्रगति की है. भारत का विश्व इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लोकेशन. लोकेशन मीन्स स्थिति, मतलब भारत की ग्लोब के ऊपर क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, कैसे हम ग्लोब के ऊपर भारत को लोकेट करेंगे. इंडिया. इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर. इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है. इट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है. इक्वेटर, एक इमेजनरी लाइन, वो अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. और अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, इंडिया लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर. इंडिया लाइज बिटवीन लैटिट्यूड 8° 4' नॉर्थ एंड 37° 6' नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68° 7' ईस्ट एंड 97° 25' ईस्ट. डिवाइडेड बाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. एन इमेजनरी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23° 30' नॉर्थ डिवाइड्स द इंडिया इन टू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. इन साउथ ईस्ट अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन बे ऑफ बंगाल. इंडिया के साउथ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. कहाँ पे? अरेबियन सी में. यू कैन सी लोकेशन ऑफ इंडिया इन दिस मैप. ऑल ऑफ यू नो द डायरेक्शंस ऑफ द मैप. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम 8° 4' नॉर्थ टू 37° 6' नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इज़ बिटवीन 97° 25' ईस्ट टू 68° 7' ईस्ट. This Tropic of Cancer dividing the India into two equal parts. It is passing through Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Yes, let me explain now. Equator. This is the line of equator, 0°C. It divides the earth into two equal parts. Northern hemisphere, upper part is known as northern hemisphere and lower part is known as southern hemisphere. जो ये equator की line है, जो आप yellow color से देख सकते हो, ये earth को two equal parts में divide कर रही है. जो इस line के ऊपर वाला part है उसको northern hemisphere कहते हैं और जो नीचे वाला part है उसको southern hemisphere कहा जाता है. और India नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू कैन सी डॉटेड लाइन ऑन द वर्ल्ड मैप. इट इज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स.
It is on degrees 23 degree 30 minute north. Yes, meridians, lines of longitudes. These are lines of longitudes. Prime meridians also divide the earth into two equal parts, eastern hemisphere and western hemisphere. According to prime meridian, India is located in eastern hemisphere. These are the lines of parallel of latitudes. In this map, you can see equator and prime meridian both. आप देख रहे हो जो इक्वेटर की लाइन है ये भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, इक्वेटर के अकॉर्डिंग इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. यस यू कैन सी prime meridian is also on 0 degree. It also divides the earth into two parts, eastern hemisphere and western hemisphere. Prime meridian bhi earth ko two equal parts mein divide karta hai, eastern hemisphere aur western hemisphere mein. According to prime meridian, ye maine pehle bhi bataya hai ki prime meridian ke according India eastern hemisphere mein hai aur equator ke according northern hemisphere mein. अब लोकेशन को कैसे देखा जाता है वर्ल्ड के मैप के ऊपर, जो भी हमने कहा कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, तो उसको मेज़र करने के लिए इस मैप के हेल्प से हम समझेंगे. सभी को पता है कि जो इक्वेटर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और प्राइम मेरिडियन है वो भी 0 डिग्री पे होता है, जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इक्वेटर 0 डिग्री से ऊपर की जो लाइंस हैं 15 डिग्री नॉर्थ, 30, 45, 60, 75 और इक्वेटर से नीचे 50 डिग्री साउथ, ये साउथ की लाइंस हैं, साउथ की तरफ और ऊपर वाली नॉर्थ की तरफ. तो इनके ऊपर इंडिया की लोकेशन को मेज़र करने के लिए इनका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाता है कि इंडिया 8 डिग्री से शुरू होता है, मतलब 0 और 15 के मिड में है. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होके इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की लाइंस से. और लॉन्गिट्यूड जो स्टैंडिंग लाइंस हैं प्राइम मेरिडियन के पैरेलल लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया ईस्ट की तरफ से जब हम काउंट करते हैं 68 डिग्री. यू कैन सी येलो मैप ऑफ इंडिया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ है. एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ से लेके नॉर्थ तक इंडिया की जो लेंथ है, मीन्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया की जो लेंथ है 3414 किलोमीटर है और जो इंडिया की विड्थ है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, वो 2933 किलोमीटर्स है. स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, वो स्टेट जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, गुजरात, लिटिल पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इंडिया साइज, अब हम इंडिया के साइज की बात करते हैं. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 2.5
2.4% of the total area of the world. World ke total area ka 2.4% hai. It is 7th largest country in the world. India world ki 7th largest country hai. According to landmass and according to population, India is 2nd largest country in the world after China. It has land boundary. India ki jo land boundary hai wo 15,200 kilometer hai. And the total length of the coastline of the mainland aur jo coastal boundary hai India ki, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island. Andaman aur Nicobar aur Lakshadweep Island ko include karne ke baad jo India ki coastline boundary hai wo 7,516.6 kilometer hai. In the northwest, India ke northwest ki taraf, north ki taraf aur north east ki taraf Youngfold Mountains isko bound karte hain. Land boundaries of India, you can see in black lines. Ye jo black line se underline ki gayi hai, ye land boundary hai India ki. Mean to say India ke ye land se connect hoti hai ye boundary. Ye 15,200 kilometer hai. Coastline boundary, India ki jo coastline length hai wo 7,516.6 kilometer hai. Coastline means समुद्र के किनारे वाली बाउंड्री, मींस जो ये रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो वाटर की तरफ से अंडरलाइन किया हुआ है. लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. तो सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड की रशिया है, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th कंट्री इंडिया. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश है और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गुजरात है. अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो दूरी है वो 2,933 किलोमीटर्स है. तो टाइम का डिफरेंस भी है. जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाते जाते हैं तो एवरी फोर डिग्री पे टाइम का डिफरेंस शो होता है. तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम है उनमें 2 आवर्स का डिफरेंस है. मिंटू से अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हैं तो गुजरात में अभी सुबह के 4 ही बजे हुए हैं. तो 2 घंटे का डिफरेंस है. तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग है, उसके बाद जो अलग अलग स्टेट आते जाएंगे उनका, सभी स्टेट्स का अलग अलग टाइम होगा, तो टाइम की यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी. तो एक कंट्री में रहते हुए अलग अलग टाइम होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट होने से बचाने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया गया जो इंडिया के सेंटर से उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से पास हो रहा है. तो ये 82 degrees 30 minutes ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसको स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट किया गया है. एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया के पास वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है. इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में हैं. इंडिया एंड हर नेबर्स, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इंडिया इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद. इंडिया किन किन कंट्रीज से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है.
इंडिया के नॉर्थ की तरफ चाइना, नेपाल और भूटान है। इंडिया के ईस्ट की तरफ म्यांमार एंड बांग्लादेश हैं और इंडिया के साउथ की तरफ श्रीलंका एंड मालदीव्स हैं। यू कैन सी इन दिस मैप नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। बॉर्डर शेयर विद कंट्रीज। बांग्लादेश से इंडिया अपना बॉर्डर 4053 किलोमीटर शेयर करता है। भूटान से ओनली 605 किलोमीटर शेयर करता है। बर्मा से 1463 किलोमीटर शेयर करता है। और चाइना से इंडिया का जो बॉर्डर है वो 3380 किलोमीटर है। नेपाल से 1690 किलोमीटर है और पाकिस्तान से 2912 किलोमीटर है। श्रीलंका। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका इंडिया से एक सी से अलग होता है जिसका नाम पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। जो मालदीव आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की नेबर है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ की तरफ सिचुएटेड है। पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। पेनिनसुला लैंड का वो पीस होता है जिसके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ से वो लैंड से कनेक्ट होता है। और आइलैंड इज़ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स। आइलैंड जिसको हम द्वीप कहते हैं वो लैंड का वो पीस होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है और जिनके थ्री तरफ वाटर होता है वो पेनिनसुला होता है। यू कैन सी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है जो सी रूट उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो मेन लैंड का साउथर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी है।